अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीरो फ्लैग कैसे सेट होता है। बेसिकली जीरो फ्लैग तब सेट होता है कि जब इसके डेस्टिनेशन वैल्यू डेस्टिनेशन रजिस्टर में जब सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से करें और हमें जो रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट बेसिकली जीरो मिले, तो अब ये जीरो फ्लैग सेट हो जाता है। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ कि ये कैसे सेट होता है। देखें, इसमें ए एब्सोल्यूटिव फ्लैग के जो एक्यूमुलेटर फ्लैग के लोअर बाइट में मैंने जीरो रखवा दिया, और बेस बेस रजिस्टर के लोअर बाइट में मैंने 8 रखवाया। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा ना बेसिकली, तब ये एब्सोल्यूटिव फ्लैग वहाँ हो जाएगा। एब्सोल्यूटिव ये मैंने एल में जीरो रखवाया, बीएल में जीरो रखवाया, और जब इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे एब्सोल्यूटिव फ्लैग ऑन हो गया है। मैं इसकी कोई और वैल्यू आपको रखवा दिखाता हूँ कि ये कैसे है। ये 9 है और ये 9 है, ठीक है। 9 की बाइनरी 1, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पे 0 फ्लैग 1 हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जनाब 9 और यहाँ पे कर देता हूँ 5, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि 9 -5 करें तो 4 बचता है हमारे पास। तो ये हम इसको देखते हैं, तो अब सेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। AL में 9, BL में 5, AL-BL बेसिकली 9 -5, तो यहाँ पे और 0 फ्लैग सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 बच रहा है। यहाँ पे AX में हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये देखें 0 फ्लैग सेट नहीं हुआ। तो ये इतना सा कंसेप्ट है जीरो फ्लैग का, कि जीरो फ्लैग कैसे सेट करते हैं।